हे वेलकम बैक आई एम यू धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यारे बच्चे आज मैं अंग्रेजी छोड़ूंगा नहीं आपसे बुलवाऊंगा अंग्रेजी अंग्रेजी में पता है क्या है एक वर्ड लो उसे हजार सेंटेंस बनाओ अंग्रेजी आज आपको बुलवा के छोड़ूंगा बस देखो मेरे साथ अंग्रेजी ना, बस बोलना है एक एक वर्ड का ज्ञान होना है जब आपके पास इफ यू हैव डीप नॉलेज इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देन यू आर एबल टू स्पीक सबसे पहले क्या है सेंटेंस बहुत सारे होने चाहिए हमने कहा चलना अब चलने का नाम जिंदगी चलना ही कहा देखो ना कुकर खूब चलेगा चलती का नाम गाड़ी बोलते ना चलती का नाम गाड़ी क्या आप इस सिक्के को चला सकते हो तो चलने के लिए जितना बोलना हो राम चल सकता है तुम चल सकते हो तो बहुत सारे सेंटेंस है लेकिन मैं एक दे रहा हूँ चलना और तीन चार सेंटेंस दे रहा हूँ जिससे आपको अंग्रेजी बोलने में आसानी होगी यह तो कुकर खूब चलेगा तो दिस कुकर इज लॉन्ग लास्टिंग यह कुकर खूब चलेगा दिस कुकर इज लॉन्ग लास्टिंग यह कुकर खूब चलेगा दिस कुकर इज लॉन्ग लास्टिंग चलती का नाम गाड़ी चलती का नाम गाड़ी नथिंग लाइक लाइक सक्सेस सक्सेस तो नथिंग like देखो चलती का नाम गाड़ी चलती का नाम गाड़ी नथिंग सक्सेस है ना नथिंग सक्सिट्स लाइक सक्सेस तो चलती का नाम गाड़ी नथिंग सक्सिट्स लाइक सक्सेस तो इसको आप याद करना क्या आप इस सिक्के को चला सकते हैं कैन यू पास दिस क्वाइन कैन यू पास दिस क्वेन पास मतलब किस दूसरे को दे सकते हैं आप मतलब आप क्या आप को चला सकते हैं चलाने का मतलब क्या है सिक्का दौड़ाना नहीं चलाने का मतलब है कि आप अपने सिक्के को दूसरे को पास कर सकते हैं मतलब कोई ले लेगा सिक्का तो क्या आप इस सिक्के को चला सकते हैं कैन यू पास दिस क्वाइन कैन यू पास दिस क्वाइन तो इससे क्या होगा कि आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा अगला देखिए क्या है होना अब होना कितना वर्ष होता है आपको क्या हुआ क्या हो रहा है आपका अंग्रेजी का पेपर कैसा हुआ ये तो होना ही था यह तो होना ही था तो ऐसे अंग्रेजी बोलने के लिए हमने कहा आपको क्या हुआ वाट हैपन टू यू आपको क्या हुआ वॉट हैपन टू यू है ना क्या हो रहा है क्या हो रहा है वाट इज हैपनिंग वट इज हैपनिंग क्या हो रहा है वट इज हैपनिंग बोलो मेरे साथ आपका अंग्रेजी का पेपर कैसा हुआ है ना हाउ डिड योर इंग्लिश पेपर गो हाउ डिड योर इंग्लिश पेपर गो आपका अंग्रेजी पेपर कैसा हुआ ये तो होना ही था यार ये तो होना ही था इट हैड टू बी डन इट हैड टू बी डन अभी मेरे साथ बोलो आ, या कुकर खूब चलेगा यह गैस खूब चलेगा यह बर्तन खूब चलेगा यह किताब खूब चलेगा दिस कुकर इज लॉन्ग लास्टिंग दिस बुक इज लॉन्ग लास्टिंग दिस स्लीपर्स इज लॉन्ग लास्टिंग दिस शूज इज लॉन्ग लास्टिंग दिस शूज आर भी कह सकते हो चलती का नाम गाड़ी नथिंग सक्सेट्स लाइक सक्सेस है ना क्या आप इस सिक्के को चला सकते हैं कैन यू पास दिस क्वाइन कैन यू पास दिस क्वाइन बस में तो कैन यू पास दिस क्वाइन अगला क्या है हो ना आपको क्या क्या what तो क्या हुआ? हुआ? बोलते हम लोग तो तुम्हारे साथ रहा है? What is happening? आपका अंग्रेजी का पेपर कैसा हुआ हाउ डिड योर इंग्लिश पेपर गो है ना ये तो होना ही था इट तो था. और देखते हम लोग अगले पार्ट में और यहां से करने का प्रयास अब देखिए हमने और लिया है आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं एक एक सेंटेंस को हजार बार बुलवाऊंगा ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको आपको क्योंकि जब तक आपको बोलना नहीं आएगा ना मैं बकसने वाला नहीं हूं मैं तो कहता हूं दिल्ली आ जाओ दिल्ली आकर के एक बार फेस टू फेस पढ़ लो मेरे साथ एकदम सामने सामने पढ़ लो तब अंग्रेजी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बोलना लिखना जो चाहो ना वो हो जाएगा यू कैन स्पीक राइट एनीथिंग एल्स उट जब तक दिमाग में नहीं आएगा हाउ कैन यू स्पीक इजली तो आप सबसे दिमाग में चाहिए। एक बार खाना बोलते मेरा सिर मत खाओ यार, मेरा सिर मत खाओ वह रिश्वत खाता है आप पान खाते हैं खाना स्वादिष्ट है तो खाना का बहुत खा सकते हो वह चप्पल खाता है वह जूते खाता है तो बहुत सारे वर्ड तो यहां पे क्या है टोटली सेंस है तो टोटल सेंस पर ये बेस्ट है तो सेंस तो मेरा सिर मत खाओ मेरा सिर मत खाओ तो आपको अंग्रेजी ऐसी तो बनाना है मेरा सिर मत खाओ डोंट बोदर में यार डोंट बोदर मी मेरा सिर मत खाओ डोंट बोदर मी वह रिश्वत खाता है वह रिश्वत खाता है तो ही टेक्स ब्राइव हम लोग क्या है ना खाने का मतलब हर जगह हम ईट नहीं लगा सकते कि हाँ मेरा सिर खाता है तो डोंट ईट माई हेड नहीं बोल सकते डोंट ईट माई एट नहीं बोल सकते गलत हो जाएगा है ना कि डोंट ईट माई एट डोंट वोदर मी मतलब मुझे परेशान मत करो मेरा सिर मत खाओ तो टोटल पता है है क्या होता सेंस के आधार बनता है। वही मैं आपको चाहता हूं कि वो सेंस सिखा दू है ना वह रिश्वत खाता है तो बोल सकते हैं कि इट्स ब्राइव नहीं कर सकते ही टेक्स ब्राइव चूंकि वो घूस लेता है रिश्वत खाता का मतलब क्या हुआ वो घूस लेता है तो ही टेक्स ब्राइव अब समझ में आ रहा है दिमाग क्या है आप पान खाते हो मतलब क्या है पान चबाते हो पान क्या करते है? हैं चबाते तो मतलब हैं पान होता है तो पान चबाते हो आप खाना स्वादिष्ट है फूड इज डेलीसियस फूड इज डेलीसियस खाना स्वादिष्ट है ऐसे ना बनेगा अब एक महीने बोलीजिए फटाफट चलो मेरा सिर मत खाओ डोंट वोदर मी मेरा सिर मत खाओ डोंट लिख कॉपी कलम लिख लो ना टेक डाउन टेक डाउन लिख लो है ना वो रिश्वत खाता है ही टेक्स प्राइव आप पान खाते हो यू च्यू बेटल खाना स्वादिष्ट है फूड इज डेलीसियस फूड इज डेलीसियस अगर रखते हैं देना अब देना क्या है मुझे साफ मत दो मुझे साफ मत दो मुझे चकमा मत दो हिंदी देख लो पहले मुझे शाप मत दो मुझे चकमा मत देना मैंने उसे जवान दी है मैंने उसे जवान दी है मुझे ताना मत दो मुझे ताना मत दो अब देख लो मुझे शाप मत दो डोंट कर्स मी डोंट कर्स मी मुझे शाप मत दो डोंट कर्स मी मुझे चकमा मत दो डोंट गिव मी दिस स्लिप तो डोंट गिव मी द स्लिप तो मुझे चकमा मत दो डोंट गिव मी द स्लिप है ना मैंने उसे जवान दी है मैंने उसे जवान दी है आई गेव ये वर्ड तो वर्ड मतलब क्या मैंने उसे प्रॉमिस की है जवान दी मतलब प्रॉमिस किया है तो आई गेव ही आई गेव हिम माई वर्ड मुझे ताना मत दो मुझे ताना मत दो डोंट स्नब मी स्नब मतलब तान देना डोंट मी मुझे ताना मत दो इस तरह से हम लोग और देखते हैं और बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए और करते हैं हम लोग अब हम लोग अगला देखते हैं ठीक है बच्चे यहाँ पे क्या है सच अब सच से जितने सेंटेंस बन सकते हैं ना वो सब मैं ले रहा हूं जैसे हमने कहा सच्चाई कभी नहीं मरती सच मत छिपाओ बस मेरे साथ बोलो सच मत छिपाओ सच कड़वा होता है साच को आंच नहीं सांच को आँच नहीं ये सब बोल करके अपनी पर्सनालिटी बना सकते हो पचास के बीच में ये सब वर्ड बोल दो साँच को आँच नहीं ट्रूथ फियर्स नोटेस्ट तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक अलग सा जोश आ जाएगा हजारों के बीच में अंग्रेजी का हाहाकार मचा दोगे आप हजारों के बीच में बोलोग अंग्रेजी आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा लाख ग्रामर पढ़ते रहो लेकिन ये सब अगर नहीं है ना तो सेंटेंस नहीं आएगा बोलना हमने कहा सच्चाई कभी नहीं मरती ट्रूथ नेवर

ट्रूथ इज बीटर सच्चाई कड़वा होता है साँच नहीं ट्रूथ फिगर्स नो टेस्ट ट्रूथ फिगर्स नो टेस्ट हमेशा सत्य बोलो ऑलविज स्पीक द ट्रूथ हमेशा सत्य बोलो ऑलवीज स्पीक द ट्रूथ हमेशा सत्य बोलो अभी देखा आपने ट्रूथ नेवर्स टाइज सच्चाई की भी निमरती टर्न कॉन्सिल द ट्रूथ सच को मत छिपाओ सच कड़वा होता है ट्रूथ इज बीटर सत्य बोलो अगला देखो उठना या उठाना अपना हाथ उठाओ अपना हाथ उठाओ अपना हाथ उठाओ रेज योर हैंड अपना हाथ उठाओ रेज योर हैंड मैं रोजाना छह बजे उठता हूं मैं रोजाना सात बजे उठता हूं मैं रोजाना आठ बजे उठता हूं मैं रोजाना चार बजे उठता हूं आई गेटअप फोर ए एम डेली आई गेटअप सिक्स एम डेली आई गेटअप सेवन ए एम डेली है ना वह बीमारी से उठा है मतलब वह बीमार है वह बीमारी से उठा है ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस वह बीमारी से उठा है ही रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस आसान है ना अंग्रेजी आपको ठोस कदम उठाने चाहिए यू शुड टेक बोल्ड स्टेप्स यू शुड टेक बोल्ड स्टेप्स आपको ठोस कदम उठाने चाहिए यू शुड टेक बोल्ड स्टेप्स अभी एक बार जरा मेरे साथ बोलना प्रोफर्ट सच्चाई कभी नहीं हारती Truth fears truth fears speak the truth. सा को आच नहीं ट्रूथ फि नोटेस्ट ट्रूथ फियर्स नोटेस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हमेशा सत्य बोलो अपने हाथ उठाओ रेज योर हैंड मैं रोजाना छठता हूं आई गेट अप सिक्स सेम डेली वह बीमारी से उठा है ही रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस है ना आपको ठोस उठाना चाहिए यू शुड टेक बोल्ड स्टेप्स इस तरह से जब आप पढ़ोगे तो आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा और डेली बोलना आ जाएगा इन सब चीजों को ना कॉपी कलम से लिख लो बार बार पढ़ो बार, बार बार बोलो बोलना आ जाएगा इसको बार बार लिखो और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करो अब दोस्तों के साथ बोलो बोलना आ जाएगा और मैं तो कहता हूं ना कि दिल्ली आ ही जाओ फेस टू फेस पढ़ते हैं नया बैच शुरू होने वाला है जल्दी से आकर के अपना सीट बुक करा लो ताकि आप मेरे आंखों के सामने पढ़ पाओ मैं पढ़ा पाऊँ। आप चाहते हो सर दिल्ली नहीं आ सकते कोई बात नहीं घर बैठे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो कैसे सर तो आप डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल क्लास पढ़ सकते हैं डी एस एल ऐप पर जाओगे वहाँ पे हज़ारों वो कैबलरियाँ बीस पच्चीस लेसन आपको दिया हुआ है जब आप देखोगे पढ़ोगे और उसके साथ डिटेल क्लास करना है तो डिटेल क्लास कैसे लें आप वेबसाइट पे जाएँ डी एस एल इंग्लिश ऐप पर जाएं और बढ़िया से क्लास ले सकते हैं कोई टेंशन की बात नहीं दिल्ली आना चाहें दिल्ली आकर पढ़ लें घर बैठे चाहें घर बैठे ऑनलाइन क्लास लाइव सेम पढ़ाता हूँ लाइव पढ़ सकते हो ये तो यूट्यूब पर एक नमूना है जो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ आपको देने का प्रयास करता हूँ इसके साथ इस वीडियो को ना आपस में मिल के बोलिए दस बच्चों के साथ शेयर करके आपस में बोलिए सब बोलेगा आप बढ़ोगे पूरा देश विकास करेगा मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करता हूँ थैंक यू वेरी मच